नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप, कहा तालिबान की लड़ाई पाकिस्तानी सेना और आईएसआई लड़ रही है, तालिबान में हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। महिलाओं के लिए तालिबान का फरमान, पूरी तरह से चेहरा ढककर कॉलेज आने का आदेश दिया, लड़के लड़कियों के लिए अलग हो क्लासरूम। तालिबान से जंग में रेजिस्टेंस फोर्स को बड़ा नुकसान, तालिबान के हमले में अहमद मसूद के करीबी फहीम तश्ती और एनआरएफ के जनरल अब्दुल वदूद जारा की मौत। पंजशीर के आंदोलन को एक और झटका लगा, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया, सूत्रों के मुताबिक सालेह को किसी अज्ञात स्थान पर छिपना पड़ा है। तालिबानी नेता अहमदुल्ला वासिक का दावा, पंजशीर अफगानिस्तान का एक प्रांत है और जल्द ही नई सरकार के कब्जे में आएगा, एनआरएफ से बातचीत फेल होने के बाद सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद ने एक बार फिर तालिबान से बातचीत की पेशकश की, कहा एनआरएफ शांतिपूर्ण तरीके से विवाद के हल के लिए तैयार है ताकि आगे पंजशीर में कम से कम नुकसान। एनआरएफ का दावा, पाकिस्तानी ड्रोन से पंजशीर में हमला जारी है, पंजशीर के जमीनी हालात से परिचित हैं पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स। अफगानिस्तान में पाक की साजिश के खुलासे पर भड़का पाकिस्तान, पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा भारतीय मीडिया अफगानिस्तान पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। काबुल में तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन से मुलाकात की है, यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय सहायता जारी रखने का भरोसा दिया। आईएसआई चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने पर उठे सवाल, पूर्व अफगान सांसद मरियम ने कहा पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाना चाहता है। अमरुल्ला सालेह का दावा, तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है, तालिबानी प्रवक्ता को हर घंटे पाकिस्तानी दूतावास से निर्देश मिल रहे हैं। तालिबान का बड़ा दावा, हमले में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद के बारे मारे जाने की बात कही है, पंजशीर जीत का भी दावा किया गया है। पैरालंपिक दल की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी, 9 सितंबर को खिलाड़ियों से मिलेंगे, 8 अगस्त को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। चौबीस घंटे में कोरोना के 38,948 मामले सामने आए हैं, 219 लोगों की हुई बीमारी से मौत, 24 घंटे में 43,903 लोग हुए ठीक। रविवार की छुट्टी के बाद आज शेयर मार्केट में 329 अंकों का उछाल, 58,458 अंक तक पहुंचा सेंसेक्स। मुख्यमंत्री योगी आज कृषि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, किसानों की आय बढ़ाने पर भी बैठक होगी। जावेद अख्तर के आरएसएस पे दिए बयान को शिवसेना ने किया आरएसएस का समर्थन, सामना में अपने संपादकीय में शिवसेना ने आरएसएस की तारीफ करते हुए संघ को राष्ट्र निर्माता संगठन बताया। गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर मचा घमासान, बीजेपी नेता राम कदम बोले जब तक माफी नहीं मांगते तब तक उनकी और उनके परिवार की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। जावेद अख्तर ने कहा था कि आरएसएस बजरंग दल वालों की विचारधारा तालिबान से मिलती है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा जावेद अख्तर के बयान का समर्थन किया है, बोले जावेद अख्तर की बात तत्संगत है, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा तालिबान जैसी है। महाराष्ट्र में वसूली मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं अनिल देशमुख। यूपी में मच्छरों को मारने के लिए खास मुहिम, फिरोजाबाद में मच्छरों को मारने के लिए तालाब में खास मछलियां डाली जा रही हैं। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, तेज बारिश के बाद सूरत के कई इलाकों में पानी इकट्ठा। ईडी ने अनिल परब के करीबी को भेजा समन, आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से कनेक्शन मामले में छापेमारी की थी, मामला देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियना के लिए हुआ रवाना। वियना में कल से शुरू हो रहे दो दिन के पांचवी वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आतंकवाद के मुकाबले के लिए 9 सितंबर को पहला विश्व संसदीय शिखर सम्मेलन भी होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से की। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, देश में पर्दे के पीछे सरकारी तालिबान है। राकेश टिकैत के बयान को वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने आपत्तिजनक कहा। बोले, टिकैत का बयान उनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। अफगानिस्तान से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं जबकि भारत में उन्हें कुछ भी कहने और करने की आजादी है। किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का निशाना। कहा, कुछ लोग बाहर से आकर मुजफ्फरनगर का माहौल खराब कर देते हैं, सांप्रदायिक लोग मंच पर क्यों थे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के बीजेपी विधायक उमेश मलिक का बयान। बोले, दुख की बात है कि 2013 के दंगों के बाद जिन लोगों का समाज से बहिष्कार हो गया था वो पंचायत के मंच पर दिखे। आरोपों पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद जौला का पलटवार। बोले, 2013 में बलियान और उमेश मलिक ने पैसे देकर दंगा कराया था। बलियान के गांव में बेकसूर लोगों की हत्या की गई। किसानों के मंच से राकेश टिकैत के सियासी बोल। कहा, मोदी, शाह और योगी बाहरी हैं, इन्हें यूपी से खदेड़ना होगा। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना से समर्थन जुटाने वाले टिकैत मोदी, शाह और योगी को बाहरी बता रहे हैं, ये मानसिक दिवालियापन है। खेल के मैदान से सियासी खिलाड़ियों की आई एक तस्वीर। बेंगलुरु दौरे पर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के बीच एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। अनुराग ठाकुर की टीम ने जीता मैच। यूपी में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम योगी का अखिलेश सरकार पर इशारों में निशाना। कहा, यूपी में पहले उपद्रवी त्यौहार में उपद्रव करते थे, अब सभी शांति से त्यौहार मनाते हैं। अयोध्या में AIMIM के शोषित वंचित समाज सम्मेलन के विरोध में उतरे संत। असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखा होने की वजह से नाराज है। कहा, अयोध्या के लोगों और मुख्यमंत्री दोनों का अपमान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज की गई। गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची पुलिस। यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। ABP News आपको रखे आगे।